बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्री नाइन्थ। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर इंग्लिश लेक्चर ऑफ 15th ऑफ अगस्त एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 नेम्ड द कैद्स विजन एंड पाकिस्तान। कैद का तसव्वुर और पाकिस्तान विजन तसव्वुर नज़रिया। We will start this chapter from its text and take your pencils in your hands and write down the meanings of all the difficult words. Here is our first paragraph. During the early times, difficult times of Pakistan's emergence, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country-wide tour. He aimed at raising people's spirits. Write down the meanings. Emergence, Qayam. Undertook, Zimmedari Uthana. Country-wide, Mulk Gir. Tour, Dore, Dora. अब वो कह रहे हैं कि ज़ुहूरे पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान के क़याम के इब्तदाई और मुश्किल दिनों में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया और उस दौरे का मकसद क्या था। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट। उनका मकसद था कि वो लोगों के जज्ब स्पिरिट होता है जज्बा और रेस का मतलब होता है उभारना। उनका उस दौरे का मकसद था कि लोगों के अंदर जोश व खरोश को उभारा जाए। Do not be overwhelmed by the enormity of the task. Do not, आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये क़ायद-ए-आज़म के बोले जाने वाले अल्फाज हैं। He said in a speech at Lahore. लाहौर में एक स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि काम की ज़्यादती से मगलूब नहीं होना। राइट डाउन द मीनिंग्स। राइट डाउन द मीनिंग्स। ओवरवेल्म्ड यहाँ पर आएगा। ओवरवेल्म्ड का मतलब घबराना। इनॉर्मिटी काम का ज़्यादा होना, टास्क काम। अब यहाँ पर वो बरसगीर के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को कह रहे हैं कि काम के ज़्यादा होने की वजह से आपने घबराना नहीं है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स अप बाय शीयर डिटर्मिनेशन, शीयर पुख्ता डिटर्मिनेशन इरादा एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर। फोर्स ऑफ कैरेक्टर किरदार की मजबूती। वो कह रहे हैं कि क़ायद-ए-आज़म ने यहाँ पर फरमाया कि आपको हिस्ट्री में से ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जब जहाँ पर नौजवान कौमें यानी नई उभरने वाली दुनिया के सामने आने वाली कौमों ने खुद को दुनिया के सामने पेश किया, खुद के करेक्टर्स को दुनिया के सामने पेश किया। सिर्फ किसके ज़रिए? बाई शीयर डिटर्मिनेशन। सिर्फ उनका जो इरादा था वो बहुत ज़्यादा पुख्ता था और इसके साथ में जो उनके किरदार थे वो बहुत बुलंद थे। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल। स्टर्लिंग सख्त मटीरियल मवाद एंड सेकेंड टू नन। अब यहाँ पर क़ायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को कहा कि आप स्टर्लिंग मटीरियल मजबूत मादे से मजबूत मवाद से कम नहीं है। यानी आपकी जो नस्ल है, जो आपकी जो कौम है, आप भी एक पुख्ता इरादे वाली कौम है। कीप अप योर मुरेल। मुरेल हिम्मत, कीप अप बुलंद रखना। वो कह रहे हैं कि अपनी हिम्मत को बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड ऑफ डरना, किसी चीज़ से डरना। मौत से मत डरें। You should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam. कि पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त को बचाने के लिए आपने मौत को बहादुरी से उसका सामना करना है। Do your duty and have faith in Pakistan. अपना काम करें और पाकिस्तान पर यकीन रखें। It has come to stay. ये कायम रहने के लिए बना है। The entire journey of a great leader struggle for a separate homeland for the Muslim of subcontinent was based on pivot of Muslim unity
एंड वननेस एज अ नेशन. राइट डाउन द मीनिंग्स. इंटायर कंप्लीट या मुकम्मल. सेपरेट अलग. होमलैंड वतन. सब कॉन्टिनेंट मुसलमान. पिविट पिविट होता है महवर. यूनिटी इत्तेहाद. वननेस यकजहती. नेशन कौम. अब वो कह रहे हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक ग्रेट लीडर थे, उनकी जितनी भी स्ट्रगल थी, उनकी जितनी भी कोशिशें थी, वो किस लिए थी? बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने के लिए जितनी भी कोशिशें थी, वो कह रहे थे कि जितनी भी कोशिशें कर लें, उसके लिए जो वाहिद मरकज़ है वो है मुसलमानों की यूनिटी और उनके अंदर इत्तेहाद. जब तक मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक उनके अंदर यकजहती नहीं होगी, तब तक बरसगीर के मुसलमान अपने लिए अलग वतन हासिल नहीं कर सकते. यानी कि अलग वतन हासिल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी महवर था कायद आज़म के नज़दीक, वो था कि मुसलमानों के बरसगीर के मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद को लाया जाए. He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. Common man, आम आदमी. अब वो कह रहे कि पाकिस्तान के बारे में उन्होंने, कायद आज़म ने इतने क्लियर अल्फाज में ऐसी बातें कहीं जिसको एक आम आदमी भी आराम से समझ सकता था. अंडरस्टैंड, समझ जाना. वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं. ही अफर्म्ड 3 years before the birth of Pakistan. ये उन्होंने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के बनने से 3 साल पहले ये बात कही. अफर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को एलानिया बयान करना, किसी चीज़ की तस्दीक करना. विद आर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, सेंस ऑफ वैल्यूज एंड प्रोपोर्शन, लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, कस्टम्स एंड कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स. डिस्टिंक्टिव, नुमाया, अलग. कल्चर, सकाफत. सिविलाइजेशन, तहजीब. लैंग्वेज, ज़बान. लिटरेचर, अदब. आर्ट, फन. आर्किटेक्चर, फन तामीर. नेम्स, नाम. नोमेनक्लेचर, नाम रखने का तरीक़ेकार, नाम रखने का तरीक़ेकार. सेंस ऑफ वैल्यूज, इकदार. प्रोपोर्शन, रुझान. प्रोपोर्शन, तनासुब. लीगल लॉज, कानून. मॉरल कोड्स, इखलाकी इकदार. कस्टम, रवाज. कैलेंडर, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन. ट्रेडिशन, आपकी इकदार. एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस. एप्टीट्यूड होता है आपकी फितरी सलाहियत, और एम्बिशन होता है मकसद, मकासद. इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए हम अपना एक मखसूस ज़ाविया फ़िक्र रखते हैं. आउटलुक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, नुक्ताए नज़र, ज़िंदगी को गुजारने का नुक्ताए नज़र. अब यहाँ पर कायद आज़म ने कहा कि हम अपनी इम्तियाजी सकाफत, तहजीब, ज़बान, आर्ट, फन तामीर, नाम रखने के तरीके, हमारी इकदार, इसके साथ में कानूनी साबते, रस्म व रवाज, अपनी तारीख, तकाज़ों, मजहबी रुझान, मकासद के लिहाज से हम एक अलग कौम हैं. मुख्तसर ये कि ज़िंदगी गुजारने के बारे में हम अपना एक मखसूस नुक्ताए नज़र रखते हैं. ये तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को
यहाँ से आगे टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। आपने इन तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स बताए गए हैं लेक्चर के दौरान, आपने उनको अच्छे से नोट डाउन करना है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पी 9th। टुडे द डेट इज़ 15 अगस्त एंड द डे इज़ सैटरडे। योर डायरी 15 अगस्त इज चैप्टर नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ कायदे आज़म। नाउ अकॉर्डिंग टू योर नोट्स हेयर इज़ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड कायदे आज़म। यहाँ पर जितने भी हेडिंग्स आपको दी गई हैं, ये हेडिंग्स मैंने खुद से बनाई हैं, आपकी बुक पर ये हेडिंग्स मेंशन नहीं है, ठीक है। अब कौन सी हेडिंग किस पॉइंट से लेकर किस पॉइंट तक है ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब वीडियो में भी मैं आपको डिस्क्राइब करती जाऊँगी कि किस पॉइंट पर कौन सी हेडिंग आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 15 तक। हेयर इज़ पेज नंबर 13। द फर्स्ट हेडिंग इज़ बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म से लेकर 2 तक, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की हेडिंग है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द टेरिटरी से लेकर 2 तक फर्स्ट हेडिंग है आपकी। अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म, कायदे आज़म के मुताबिक द टेरिटरीज वो इलाके हैविंग मुस्लिम मेजोरिटी जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, जैसे कि पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलोचिस्तान शुड बी पुट टुगेदर, इनको इकट्ठा कर देना चाहिए टू फॉर्म पाकिस्तान और इनको पाकिस्तान बनाने के लिए। वेयर पीपल मे लेड देर लाइव इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द रिलीजन, जहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार सकें इस्लाम अपने मज़हब के मुताबिक, सिविलाइजेशन अपनी तहजीब के मुताबिक, ट्रेडिशन रवायात के मुताबिक, एथिक्स एंड इकनॉमिक्स अपनी अखलाकियात और अपनी माशियात के मुताबिक। द मुस्लिम्स मे रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़ फ्रीली। अब जो मुसलमान हैं वो अपनी हुकूमत के या अपनी रियासत के जो मामलात हैं वो अपनी अखलाकी इकदार के मुताबिक आज़ादाना तौर पर चला सकें। द माइनॉरिटीज़ शुड इन्जॉय इक्वल राइट्स टू, और जो माइनॉरिटीज़ होंगी हमारे मुल्क में उनको भी बराबर के हकूक़ अदा किए जाएंगे। कायदे आज़म का जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये नज़रिया था कि इलाके हैं जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं उन इलाकों को सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेट करके उनको जो है वो एक अलग स्टेट बना दिया जाए और स्टेट को पाकिस्तान का नाम दिया जाए, जहाँ पर लोग अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें और जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनको भी बराबर के हकूक़ दिया जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू योर नोट्स द सेकेंड हेडिंग इज़ इस्लामिक सिस्टम, इट स्टार्ट्स फ्राम कायदे आज़म कंसिडर्ड टू द रॉक इज़ होली कुरान। कायदे आज़म कंसिडर्ड द इस्लामिक सिस्टम फुली एप्लीकेबल। कायदे आज़म जो थे वो समझते थे कि इस्लामी निज़ाम जो है मुकम्मल काबिल अमल है, यानी पर इस पर को जो है वो अमल किया जा सकता है इस पर। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कुरान। वो चाहते थे कि जो हमारे मुल्क का निज़ाम हो उसकी बेस क्या हो, उसकी बेस कुरान हो। इन द सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट कराची, इंडिया में जब वो मुस्लिम लीग के एक सेशन से किताब कर रहे थे 1943 में, ही सेट उन्होंने कहा व्हाट रिलेशन नीड्स द मुस्लिम्स इनटू वन होल, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुसलमान जो है वो एक जस्ते वाहिद की तरह आपस में मुंसलिक हैं। विच इज़ द फॉर्मेडेबल रॉक ऑन विच द मुस्लिम्स एडिफाइस हैज़ बीन इरेक्टेड, वो कौन सी चट्टान है जिस पर इस मुस्लिम मिल्लत की इमारत जो है वो खड़ी है। विच इज़ द शीट एंकर प्रोवाइडिंग बेसिस टू द मुस्लिम मिल्लत, वो कौन सा लंगर है जिसे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। रिलेशनशिप द शीट एंकर इज़ द होली कुरान। अब वो रिश्ता वो एडिफाइस और इमारत एंड द शीट एंकर इज़ द होली कुरान, ठीक है। यानी कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया के कहीं पर किसी भी कोने पर मौजूद हो, वो जहाँ पर भी हों वो जस्ते वाहिद की तरह आपस में क्या है मुतहद हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो आपस में मुतहद हैं, या वो कौन सी चट्टान है जिस पर जो मुस्लिम मिल्लत है वो खड़ी है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी शीट एंकर है जिससे उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई, वो रिश्ता वो चट्टान वो शीट एंकर खुदा की किताब कुरान मजीद यानी कि इस्लाम है, जिसकी वजह से मुसलमान आपस में मुतहद हैं। वाइल एड्रेसिंग द सॉरी यहाँ तक आपकी हेडिंग स्टॉप होती है। इस्लाम नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स इन मार्च 1944 टू कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है जी। वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट इन मार्च 1944 कायदे आज़म सैड इस्लाम इज़ आर गाइड, इस्लाम जो है वो हमारा रहनुमा है एंड इट इज़ द कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ
और ये ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी कि इस्लाम जो है वो हमारा रहनुमा है ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, और ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यानी कि इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक कुरान पाक में और इस्लाम में रोशनी डाली गई है। हमें ज़िंदगी किसी भी शोबे से मुतालिक रहनुमाई चाहिए तो हम इस्लाम और कुरान पाक को फॉलो कर सकते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम एंड इट स्टार्ट्स फ्राम एड्रेसिंग इट अलीगढ़ टू फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम। वाइल एड्रेसिंग इट अलीगढ़ कायदे आज़म एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द फॉलोइंग वर्ड्स, वट वॉज द मोटिव डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड वट वॉज द रीज़न ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, कि पाकिस्तान के मुतालबे का महर्रक क्या था, यानी कि मुसलमानों ने किस वजह से पाकिस्तान के लिए जो है वो जदोजहद की और पाकिस्तान की डिमांड की। वट वॉज द रीज़न, क्या वजह थी मुसलमानों की कलैदा रियासत के लिए डिमांड करने की। वाई वॉज द नीड टू डिवाइड इंडिया फेल्ट, इंडिया को तकसीम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इट्स रीज़न इज़ नाइदर नैरो माइंडेडनेस ऑफ द हिंदूज, अब इसकी रीज़न ना तो हिंदुओं का हिंदुओं की तंग नज़री है, नॉट द टैक्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश और ना ही अंग्रेज़ों की चालें हैं। इट इज़ द फंडामेंटल डिमांड ऑफ इस्लाम, बल्कि इस्लाम की बुनियादी ज़रूरत थी, ठीक है, कि हम एक ऐसी सरजमीन पर रहें जहाँ पर हम एक तो इस्लाम की तलीमात पर ख़ुद अमल कर सकें और सेकेंडली पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम जो है वो ईज़िली पहुँचा सकें। द नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट फ्राम सोशल जस्टिस एड्रेसिंग द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एट कराची टू कुड फाइंड फेयर प्ले। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर विच वी हैव बीन स्ट्राइव्ड, पाकिस्तान का बनना जिसके लिए हम 10 साल से कोशिश कर रहे थे, इज़ बाई ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की रहमत से। इट इज़ अ फैक्ट नाउ, अब ये एन इस्टेब्लिश फैक्ट नाउ, अब ये हकीकत बन चुकी है। बट द क्रिएशन ऑफ आर ऑन वॉज अ मीन टू एन एंड एंड नॉट द एंड इन इट सेल्फ, लेकिन अब हमारे पाकिस्तान का मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं कि हमने एक जो है वो रियासत बना ली है, ठीक है, यानी कि हमने एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल कर लिया है। द आइडिया वॉज दैट वी हैव अ स्टेट इन विच वी कुड लिव एंड ब्रेथ एज फ्री मैन एंड इन विच डेवेलप अकॉर्डिंग टू आर ऑन राइट्स एंड कल्चर। अब ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक रियासत चाहिए जिसमें हम आज़ाद अफराद की तरह रह सकें, बल्कि अपनी तहजीब और सकाफत को भी तरक्की दे सकें। वे प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस कुड फाइंड फेयर प्ले, बल्कि ऐसी सरजमीन भी चाहिए जहाँ पर हम सोशल जस्टिस से मुराद निज़ाम अदल के असूलों पर अमल कर सकें, ठीक है जी, यानी यहाँ पर हम सबके साथ बराबरी का सलूक कर सकें। द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान एज अ लेबॉरेटरी ऑफ इस्लाम ऑन वन ओकेजन टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। कायदे आज़म साहब, वी डोंट डिमांड अ पाकिस्तान सिंपली टू हैव अ पीस ऑफ लैंड, बट वी वांट अ लेबॉरेटरी वेयर वी कैन एक्सपेरिमेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। कायदे आज़म ने कहा था कि हमें पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमें एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, बल्कि हम पाकिस्तान की डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हम जहाँ पर इस्लाम की सुलंग के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ यूनिटी एंड नेशनलिज्म। ऑन 21 मार्च 1948 कायदे आज़म एड्रेस द पीपल ऑफ ढाका। कायदे आज़म जब ढाका के लोगों के एड्रेस कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, ही सेड व्हाट वी वांट इज़ नॉट टू टॉक अबाउट बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची एंड पठान। हम सिर्फ पंजाबी, बंगाली, सिंधी, बलोची और पठान नहीं हैं और ना हमने इस बारे में कोई बात करनी है। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं हैं बट पाकिस्तानी, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। नाउ इट इज़ आर ड्यूटी टू एक्ट लाइक पाकिस्तानी, अब हमारी ड्यूटी है कि हम एक पाकिस्तानी की तरह एक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जो है वो किस चीज़ की मुखालफत की, सूबाइत की मुखालफत की, ठीक है, यानी कि सूबों की बुनियाद पर हमें खुद को डिवाइड नहीं करना, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है और वह है पाकिस्तानी। द नेक्स्ट हेडिंग इज़ राइट एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ माइनॉरिटीज़। बिसाइड दिस ही अनाउंस दैट माइनॉरिटीज़ विल बी गिवन अ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ, के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी एंड दे विल इन्जॉय द इक्वल राइट्स, ताकि वो अपने मुकम्मल हकूक इन्जॉय कर सकें। दिस इज़ द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की भी बुनियादी तलीमात यही हैं। द नेक्स्ट इज़ इकनॉमिक सिस्टम एंड सोशल जस्टिस। बैंक कायदे आज़म इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब कायदे आज़म स्टेट बैंक का इफ्तिताह कर रहे थे तो उन्होंने कहा द इकनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट, कि जो वेस्ट का माशी निज़ाम हैज़ क्रिएटेड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल प्रॉब्लम्स।
फॉर अ ह्यूमन बींग, उसने इंसानों के लिए जो है वो नाकाबिले हल मसाइल पैदा कर दिए हैं। इट हैज़ फेल्ड और ये नाकाम हो गया है टू डू जस्टिस, इंसाफ करने के लिए बिटवीन मैन एंड मैन, इंसानों के दरमियान। वी मस्ट प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, हमें दुनिया के सामने एक ऐसा निज़ाम लाना है बेस्ड ऑन द ट्रू इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैनहुड एंड सोशल जस्टिस, जो इस्लामी कानून के मुताबिक, इस्लामी नज़रिया के मुताबिक मसावात और अदल के निज़ाम पर कायम हो। सो दिस इज़ योर एंड ऑफ डायरी ऑफ 15 अगस्त। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट डायरी।